हेलो मेरे देसी चटोरो, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं लाल मिर्च का भरमा अचार, जो खाने के टेस्ट को दुगना कर देता है। अचार बनाने के लिए हमने सभी मिर्चों को अच्छे से धो के और थोड़ा सा धूप में सुखा लिया, और इसका सारा पानी मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होगा या थोड़ा मॉइस्चर होगा तो अचार खराब हो जाएगा। भरमा लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें आवश्यक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है लाल मिर्च जो 500 ग्राम ली है मैंने, 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने कलौंजी ली है, 2 नींबू का जूस निकाला है, अजवाइन ली है 1/2 चम्मच, 2 चम्मच मेथी, 3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच नमक, सौंफ ली है 3 चम्मच मैंने, पीली सरसों 2 चम्मच, 1 चम्मच काला नमक, 10-15 दाने काली मिर्च, 3 चम्मच राई ली है और 1/2 कटोरी मैंने सरसों का तेल लिया है। अब हम हमारे जो सूखे मसाले हैं उन्हें एक पैन में डाल के हल्का हल्का सेकेंगे, जिससे कि इनका मॉइस्चर निकल जाए। मैंने लो फ्लेम पे पैन गरम कर लिया है। अब मैं इसमें सौंफ डालूंगी, लो फ्लेम रखना है। मेथी डालूंगी, जीरा, पीली सरसों, राई, काली मिर्च, अजवाइन और कलौंजी। इन्हें हल्का हल्का गर्म हो तब तक चलाते हुए सेक लूंगी, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए और अचार खराब ना हो। बस हमारा पैन हल्का सा गर्म होना चाहिए। हम मसाले को हल्का सा हाथ में लेके देखेंगे, देखने से पता लग जाएगा कि इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है और ये थोड़ा करारा सा हो चुका है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम मिर्च को काट लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उसका डंठल हटाएंगे, बीच में से कट करेंगे। और 1 चम्मच की मदद से इसके अंदर से सारे बीज कुरच के निकाल देंगे। इसी तरह से हमें सारी मिर्च अंदर से साफ कर लेनी है। हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक जार में डालेंगे। अमचूर पाउडर भी इसी में डाल देंगे, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, काला नमक भी इसी टाइम डाल देंगे और सफेद नमक भी डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। अब हम सारे मसाले को बॉल में निकाल लेंगे। अब हम मसाले में तेल डालेंगे, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को सारे मसाले में।
और जो हमने मिर्च के बीज निकाले थे वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। हमने मसाले में अच्छे से तेल मिक्स कर लिया है और बीज भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इन्हें मिर्च में भरेंगे। मिर्च के अंदर हमें अच्छे से दबा दबा के मसाला भरना है। हमने सारी मिर्चों को अच्छे से भर लिया है। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे या आप एक जार में भी भर सकते हैं। मैं 2 दिन के लिए इसे इसी बॉल में वापस डाल दूंगी। अब मैंने सारी मिर्चें बॉल में डाल दी है और ये नींबू का जूस अब मैं इनके ऊपर डालूंगी। नींबू का जूस डाल दिया है। अब मैं इन्हें दिन में 2-3 बार चम्मच से हिला दूंगी। 2 दिन बाद मेरी मिर्च खाने के लिए रेडी हो जाएंगी। हमारा अचार बन चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगली रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।